हेलो फ्रेंड, टेक आई रिजेक्शन में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप अपना प्ले स्टोर में आप लॉक लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, आपको बिना किसी ऐप डाउनलोड किए कैसे उसको लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। इसके लिए फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फ्रेंड, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन करके यहाँ दिखा देता हूँ। देख सकते हैं हमारा कोई भी यहाँ से लॉक नहीं लगा है। इसमें लॉक कैसे लगाएंगे, इसके लिए फ्रेंड आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल के यहाँ से सेटिंग में चले जाना होगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरह का सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर ओपन कर लेना होगा। फ्रेंड ऐसे सेटिंग को ओपन करने के बाद सेटिंग को ओपन करके यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से नीचे में चले जाए। नीचे में आपको देख सकते हैं प्राइवेसी का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको क्या करना है उसी प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह का ऑप्शन खुल के जगह देख सकते हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आपको फर्स्ट नंबर पर दिखाई दे रहा होगा ऐप लॉक का ऑप्शन। फिर यहाँ से ऐप लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर ऐप लॉक वाले ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो आपका जो भी पासवर्ड होगा यहाँ से ऐप लॉक का, अगर आप नया बनाएंगे पासवर्ड तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 डाल के यहाँ से ओके कर देना होगा। यहाँ से मैं अपना पासवर्ड डाल के ओके कर देता हूँ। पासवर्ड ओके कर देने के बाद फिर यहाँ से इस तरह का आपके मोबाइल में जितने भी ऐप होंगे यहाँ से सारा कुछ शो कर देंगे। तो मैं स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से अपना प्ले स्टोर को यहाँ से खोज लेता हूँ। नीचे देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा गूगल प्ले स्टोर, तो यहाँ से गूगल प्ले स्टोर को इसको एक बार ऑन कर लेता हूँ। ऑन कर देने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ से इसको बैक कर देना होगा। बैक कर देने के बाद फिर यहाँ से आपको जब प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आसानी से लॉक लग जाएगा। देख सकते हैं हमारा आसानी से लॉक लग गया। तो ऐसा करके आप अपने प्ले स्टोर पर लॉक लगा सकते हैं। तो फ्रेंड बस आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।